हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोजी शाह और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एथनिक ज्वेलरी हॉल जो मैंने मीशो से परचेज़ की है। इसमें एक दो ज्वेलरी ऐसी है जो मैंने शॉप से परचेज़ की है। लिंक सबके मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ और सभी ज्वेलरी जो है वो अफोर्डेबल है। लाइक 500, 300, 500 तो बहुत ज़्यादा हो गया, 300, 200 तक ही है, उससे ज़्यादा की नहीं है। और अभी मीशो पे बहुत बड़ी सेल चल रही है, तो आप जो भी ज्वेलरी परचेज़ करेंगे वो आपको बिल्कुल आधे रेट में मिलेगा। तो आप जल्दी से जाइएगा, जो भी आपको पसंद आए आप उसे ज़रूर परचेज़ करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ज्वेलरी हॉल कैसा लगा। ज़्यादा नहीं है, थोड़ी ही है, बट जो भी है बहुत अच्छी है। मैंने बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस। चलिए वीडियो आप स्टार्ट लोग को करते ज्वेलरी ये वाली जो है ना, ये मीशो मीशो से ही है। और ये वाली मैं आपको लिंक दे दूंगी इसका। ये वैसे वेस्टर्न वियर की है, ये इस हॉल का नहीं है, बट मैंने ऐसे ही ये इस पर अच्छा लग रहा था स्टॉप पे तो मैंने इसको पहन लिया। मैं आपको इसका भी लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैंने अपना हेयर को मतलब यू नो बांध लिया है ताकि आपको ज्वेलरी अच्छे से दिखे। अब इसको मैं तो निकाल सबसे पहले ज्वेलरी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और वो बहुत ज़्यादा प्यारी है। देखिए इस तरह के बॉक्स में आई है और इसको देखते हैं, काफ़ी अच्छे से पैक करके भेजा है। कभी कभी मीशो बहुत डिसअपॉइंट करता है, पैकेजिंग इतनी ख़राब रहती है, इतनी ख़राब रहती है कि ज्वेलरी भी मतलब टेढ़ी मेढ़ी टूटी ही आती है। इसको मैंने एक दफ़ा मतलब खोल के देखा है। आप चलिए देख, प्राइस मैं आपको इसका साथ ही साथ बताते जाऊंगी और अगर किसी का मुझे याद नहीं होगा तो मैं यहाँ ऊपर मेंशन भी कर दूंगी। आप इसको देखिए कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। मेरे मेरे कैमरा अगर फोकस नहीं करेगा ना तो प्लीज़ मैं इसको ना अलग से मतलब अलग से भी इसकी वीडियो शूट करके लगा दूंगी। आप इसे देखिए, लुक एट दिस गाइस, देखिए कितना ज़्यादा प्यारा सेट है ये वाला। लाइक बीच में ऐसा बना हुआ है फ्लावर और नीचे ऐसे तीन मोतियाँ हैं और साइड में भी पूरा ऐसे थ्रेड वाली मोती है। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। मतलब वेट भी इसका ट्रेडिशनल ज़्यादा नहीं है, बहुत ही मतलब वेट के हिसाब से भी बहुत सही है काम है। ये कुछ चोकर स्टाइल का है और आप इसको इस तरह से पहनेंगे, देखिए कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और मैंने इसीलिए ब्लैक कलर का टॉप पहना है, वैसे मुझे कुछ एथनिक पहनना था बट मुझे मिली इयरिंग जो है वो भी बहुत ज़्यादा यूनिक है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आप इसकी इयरिंग्स देखिए, तो देखिए कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ये पूरा कंप्लीट लुक इसका इस तरीके का है, मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आई। प्राइस इसकी मैं आपको वन देख, सिक्सटी 60 रुपीज़ रुपीज़ शो कर रहा है और मतलब 10-20 रुपीज़ का अंतर आता है। 160 रुपीज़ में ये तीनों चीज़ मिल रही है आपको, बिल्कुल सेट मिल रहा है और मुझे नहीं लगता कि ऐसा किसी किसी मिलेगा। भी वी नेक के साथ या साड़ी वगैरह में पहनेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। आप देख सकते हैं मुझ पर कैसा। नेक्स्ट ज्वेलरी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो इस तरह के एक बॉक्स में पैक होके आई थी। ये वाला ना हर ड्रेस के साथ जाएगा और इसीलिए मैंने ये वाइट लिया है। और वाइट या आइवरी इस तरह की जो ज्वेलरी होती है ना वो हर ड्रेस के साथ मैच कर जाती है। ये वाले पीस आप देखिए, इसमें ये ऐसे चार लाइन पर्ल की दी हुई है, बहुत ही रॉयल बहुत ही रीगल लुक देगा ये आपको। बीच में ऐसे बड़ा सा बिल्कुल बना हुआ है और इसके बीच बीच में ना नक साइड साइड में लगा है एंड देन बीच में वाइट कलर का लगा हुआ है। इसको आप देखिए बहुत ज़्यादा प्यारा है, सिंपल है बट बहुत खूबसूरत लगेगा। ये साड़ी के साथ, सूट के साथ, सबके साथ जाएगा, बहुत ज़्यादा प्यारा है, खूबसूरत लग रहा है। पता नहीं कैमरे में आपको ये कैसा लग रहा होगा। और इसकी इयररिंग देखिए आप, मतलब वेट बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, बिल्कुल भी मतलब आपके कान में दुखेगा नहीं। इससे पहले जो मैंने पहना था उसके मुकाबले भी ये बहुत ज़्यादा मतलब लाइट वेट है। ओके, आप देख सकते हैं बिल्कुल रॉयल लुक दे रहा है ये, कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ऐसे ही आप इसे ब्लैक साड़ी के साथ पहनेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। प्राइस इसका जस्ट 140। मार्केट में कोई भी चीज़ 200-300 से ये स्टार्ट होती है एंड पतले से भी कुछ रहता है ना, पतला सा भी हार रहता है तो उसका भी 1000 ले लेते हैं। मीशो की मेहरबानी है एंड ऐसा ही नहीं है कि मीशो पे ही है, शॉपसी पे भी है ना, फ्लिपकार्ट शॉपसी पर भी आपको मिल जाएगी सस्ती ज्वेलरी, अमेज़ॉन पे भी मिल जाएगी, लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट मीशो है क्योंकि मुझे जो बेस्ट ज्वेलरीज अब तक मिली हैं वो मीशो से ही मिली हैं। और मीशो ने हमेशा मतलब हमेशा तो नहीं, हाँ ये है कि मीशो पे कभी कभी ऐसा होता है कि कोई टूटी फूटी चीज़ें और कुछ बहुत अजीब चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन हाँ मतलब आपके पास ऐसा भी रहता है कि आप उसे एक्सचेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है एंड सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं, कभी कभी चूना लग जाता है। नेक्स्ट जो ज्वेलरी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना वो इस तरीके की पैकेजिंग में आया था और पैकेजिंग देख के ही लग रहा था कि काफ़ी कुछ बड़ी बड़ी चीज़ हाथ लग गई मैं है। आपको बता दूँ कि जब मैंने ये ज्वेलरी खरीदी थी, ये जितनी भी है लाइक मोस्टली
तो वो सब की तो मुझे थोड़ी महंगी पड़ी थी क्योंकि उस टाइम सेल नहीं थी, बट मुझे लेनी थी हॉल वीडियो शूट करने के लिए तो मैंने ली थी। और अभी के टाइम में बहुत अच्छी सेल चल रही है और हर चीज़ मतलब रेट्स बहुत कम है। मैंने देखी, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए मैंने 197, आप देख सकते हैं अगर आपको साफ दिख रहा हो तो, 197 में मैंने लिया था, ठीक है 197 में। और अभी यही सेम चीज़ 160 में मिल रही है, एंड कॉइन लगा दोगे तो और ऑफ मिल जाएगा, तो बहुत अच्छा है, अभी जाके ले लो इससे पहले कि देर हो जाए। चलो इसको देखते हैं। तो इस तरीके की ये बॉक्स में आया है, और पता है फोटो देख के मुझे लग नहीं रहा था कि इतना ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन देखने के बाद में मेरी आँखें फटी की फटी रह गई थी, इतना खूबसूरत है आ रही है। चलिए आपको क्या सिर्फ हार है या फिर वैसे है क्या चीज़ है, इसे तो ज़रूर परचेस कर लेना भाई इसका। हाँ एक कलर इसका वाइट भी है, पर वाइट से बेहतर है ये वाला कलर वाइट। मेरे पास कुछ भी मतलब ऐसा पर्पल कलर की ज्वेलरी नहीं थी। मैं रात में शूट कर रही हूँ ना, बहुत शोर हो रहा है। एट वाओ अमेजिंग 160 रुपीस में, ये देखो एक छोटू सा मांग टीका भी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये देखो ये मांग टीका दिया है इसके साथ, और ये हार दिया है भाई इसको देखो। 160 रुपये में आपको एक तो पहली बात इतना यूनिक ज्वेलरी मिल रही है, ठीक है, पर्पल कलर का, पर्पल मैजेंटा, इट्स नॉट पर्पल बट इट्स मैजेंटा, मैजेंटा पिंक नग लगा हुआ है सब में, और बहुत क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है भाई, बहुत ज़्यादा अच्छी, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया क्वालिटी से। पहन के दिखा, अब देखिए कैसा लग रहा है ये, कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, इतना यूनिक है। और इसकी इयररिंग तो पूछ पैटर्न पे ही है, लाइक जैसा टिक्का वैसा ये बस। मुझे लगता है आपको ये वाला बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, देखिए कितना खूबसूरत है कंप्लीट लुक इसका। इतना हैवी भी नहीं है कि आप इसे कैरी नहीं कर सकते हैं, और पार्टीज वगैरह में ना थोड़ा बहुत सह लिया जाता है, ठीक है, अच्छा लगना चाहिए थोड़ा। और भारी नहीं है, बहुत भारी नहीं है, एक जो सबसे भारी है वो मैं आपको दिखाऊंगी, वो खूबसूरत भी है और बहुत भारी भी है। उसको पहनने के बाद कान के बैंड जो ज्वेलरी है ना, वो एक ही पैकेट में इस तरीके से पैक होके आई थी, क्योंकि वो एक ही सेलर के यहाँ से आई थी और दोनों ही मैंने मंगाया था, तो वो इस तरीके से पैकेट में इस तरह से पैक होके आई थी। पैकेजिंग तो ठीक ठाक है, मतलब इस तरीके से उन्हें भेजना चाहिए था, इससे मैं टूट जाती है। चलिए ओपन करके देखते हैं सही सलामत है कि नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक इसको ओपन नहीं किया है। तरीके से देखिए ये दोनों ना, ये दोनों जो है आए हैं, और इनकी इयररिंग्स इस तरीके से पैकेट में आई है। एक सबसे पहली वाली है ये, बिल्कुल साउथ इंडियन ब्राइड जो होती है ना वो इस तरीके का पहनती हैं अपनी शादी पे, एंगेजमेंट में, और बहुत ज़्यादा सुंदर नग लगा हुआ है क्रिस्टल, और बहुत ही अच्छे तरीके से लगा हुआ है, ऐसा नहीं है कि निकल जाएगा। और नीचे ये देख रहे हैं आप, ये सबसे ज़्यादा इस चीज़ से मैं अट्रैक्ट हुई थी, क्योंकि इसके बिना ये कुछ नहीं लगता, मतलब इतना अच्छा नहीं लगता। ये जो लटकन है ना ये इसके नीचे, वो बहुत ही ज़्यादा इसको और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रहा है, प्लस बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है। और जो इसका कलर है ना, वो जो गोल्ड होता है ना, गोल्ड ज्वेलरी, उससे मिलता जुलता है। कुछ ज्वेलरी जो होती हैं जो गोल्डन इस तरीके में होती है, वो बिल्कुल वो वाली गोल्ड लगते हैं, बिल्कुल चेप वाला बिल्कुल जो होता है। तो ये लेकिन पहनने के बाद ऐसा लगेगा ना कि गोल्ड की ज्वेलरी पहन रखी है। तो ये कुछ इस तरीके का है, ठीक है, ये भी चोकर स्टाइल है, और मुझे लग रहा है मैंने ज़्यादातर चोकर ही मंगा लिया है। इतनी क्यूट है इसकी जो इयररिंग है ना, ये बिल्कुल छोटी सी क्यूट सी है। इसमें भी सेम वही पैटर्न पे लटकन लगा हुआ है जैसा उसमें है, घुंघरू है, ये बज रहा है, ये भी थोड़ा थोड़ा बजने वाला है। चारों तरफ इस तरीके से वाइट कलर के क्रिस्टल्स हैं, बीच में सेम उसी नेकलेस के कलर का बीच में क्रिस्टल लगा हुआ है, और ये इस तरीके से छोटा सा है, और अच्छा भी है कि बहुत बड़ा नहीं है, मतलब जिस हिसाब का नेकलेस उस हिसाब का ही इयररिंग भी है। आप देख सकते हैं ये इस तरीके का कुछ है, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, साड़ी पे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसी पेयर का जो नेक्स्ट ज्वेलरी है ना गाइज, उसको दिखाते हैं मैं आपको। आप देखिए पैटर्न लटकन वाला सेम है, बट बीच वाला जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, इसके इयररिंग्स थोड़ी लंबी वाली हैं। ओह माय गॉड, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और इसे आप ना मतलब देखिए बिल्कुल साउथ इंडियन लुक दे रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। चलते हैं नेक्स्ट ज्वेलरी की ओर। नेक्स्ट जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो थोड़ी सी महंगी है, पर क्वालिटी के हिसाब से इस वाले पैकेट में क्वालिटी के हिसाब से बिल्कुल सही है। आप इसको खुद देखिएगा कि कितनी खूबसूरत है, पैकेजिंग ओके ओके है। वाह
पिंक कलर की, कितनी खूबसूरत है ये। इसका प्राइस 270 या 260 ऐसा कुछ है, और इसके बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं, और मैंने ये पिंक वाला उठाया है। इसके काफ़ी सारे 7-8 कलर अवेलेबल है, आप कोई भी ले लीजिएगा जो भी आपको पसंद हो। ये एडी ज्वेलरी है एंड कुंदन स्टाइल है, बीच में पिंक कलर का क्रिस्टल है, नीचे पिंक पिंक सा और वाइट इस तरीके का लटकन है। एंड ये जो पैटर्न है ना, इसी को मैं बोल रही हूँ कुंदन स्टाइल पैटर्न है ये वाला। और ये पोर्शन देखिए, चारों तरफ इस तरीके से छोटे छोटे से वाइट वाइट से क्रिस्टल्स लगे हुए हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक और बिल्कुल पार्टी वियर, शादी वियर, सब वियर है, बहुत अच्छा है। और इसका हार तो ओह माय गॉड, टॉप नॉच क्वालिटी, सी दिस। इसको पहन के महारानी वाला लुक आएगा बिल्कुल। अभी इसको ट्राई करते हैं। इतने सारे चोकर दिखाने के बाद ये किस तरीके का दिखा रही हूँ मैं आपको। इसमें आप देखिए इस तरीके से पिंक पिंक से पर्ल्स, पिंक पिंक से नीचे लटकन है, मोतियाँ हैं, और वही मतलब ये सबका मतलब मिड, ये देखिए बीच वाले का पैटर्न लेके ही इयररिंग बना दी गई है, और कितना खूबसूरत लग रहा है किसी भी पिंक ड्रेस के साथ, वाइट ड्रेस के साथ एंड ऑल्सो ग्रीन के साथ भी। कंट्रास्ट आजकल पहनने का बिल्कुल ट्रेंड है, तो उसके साथ भी ये बहुत अच्छी लगेगी। और इसके इयररिंग को भी पहन के इसका लुक कम्प्लीट करते हैं, इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट जो पीस है ना, मैं जो आपसे कह रही थी कि बहुत भारी वाला पीस एक ले लिया है लेकिन बहुत खूबसूरत है, वो है ये। तो ये वाला जो पीस है ना, ये बहुत भारी है बट बहुत खूबसूरत है, बहुत यूनिक है। एंड इसके कलर भी अवेलेबल हैं काफ़ी सारे, और आप इसको ना वेस्टर्न इतनी मतलब किसी के भी साथ पहनेंगे ना, सबके साथ जाएगा। और पता ही कैमरे में पता नहीं कैसा दिख रहा है बट बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है, बहुत ज़्यादा। नाइट पार्टी में ना सिर्फ आप ही आप दिखेंगे इसको पहन के, ये इतना खूबसूरत है। अगर आप थोड़ा बहुत भारी ज्वेलरी वगैरह को झेल लेते हैं ना, तो ये आपके लिए है। खूबसूरती के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है, क्वालिटी के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। नेक्स्ट है ये वाली, देखते हैं ये कौन सी और कैसी है। ओके, ग्रीन इन कलर। तो अगर तीज त्यौहार के लिए लेना है ना, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बहुत लाइट वेट है और इसका प्राइस भी बहुत कम है। अगर आपको ऐसे अलग कलर का लेना है तो इसके भी कलर्स अवेलेबल हैं, आप चेक कर लीजिएगा। मैं इसे दिखाती हूँ कि ये कैसा लुक है इसका, बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है, लिटरली बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी है। सिंपल बट स्टाइलिश। अब देखिए इसका लुक कैसा लग रहा है। मैंने इसे पीछे से होल्ड किया है क्योंकि बांधने के बाद निकालने में मेरा वक्त निकल जा रहा है सारा, तो क्योंकि इस तरीके का ना हुक वाला जो होता है लाइक दिस, इसको खुद से पहनने में ना मुझे बहुत दिक्कत होती है, तो मैं इसको ऐसे करके दिखा रही हूँ। देखिए आप कितना प्यारा लग रहा है ना। अगर इसमें से कोई भी आउट ऑफ स्टॉक चल रहा होगा ना, तो थोड़ा सा वेट कर लेना, वो स्टॉक में आ जाएगा। नेक्स्ट जो है ना, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और उसकी डिटेलिंग आपको दिखाती हूँ मैं, और उसका प्राइस भी 160 के अराउंड है। मैं 500 ज़्यादा ही शुरू में बोल रही थी, बिकॉज़ मैंने जब लिया था ना तो बहुत ज़्यादा का था, और अभी सेल चल रही है और सबका रेट हाफ से भी कम हो गया है। तो इसको दिखाती हूँ मैं कैसा है। ये वाला जो पीस है ना, बिल्कुल नवाबों वाला है, एकदम नवाबी लुक देगा आप इसे। आप दिखाती हूँ मैं इसकी डिटेलिंग। इसके बीच में ना, मैं दूर से दिखाऊंगी तो ज़्यादा सही रहेगा वरना ब्लर हो जा रहा है। बीच में ना पिकॉक बनी हुई है, और उसी पिकॉक के फेदर का ये वाला पूरा ग्रीन पोर्शन है, और नीचे की तरफ इस तरीके से लटकन है, तीन तीन इस तरीके से है, लाइक दो छोटा एंड देन बीच में बड़ा सा। और ये बिल्कुल ना पिकॉक इंस्पायर्ड ज्वेलरी है, पिकॉक इंस्पायर्ड ज्वेलरी ये नाम इसके लिए परफेक्ट है। तीनों पे इस तरीके से पिकॉक बनी हुई है, एंड इसकी इयररिंग भी बिल्कुल सेम इसी पैटर्न की है। वेट बिल्कुल लाइट वेट है, और क्वालिटी बहुत अच्छी है। प्राइस आप सुनिए, प्राइस 160-170 के अराउंड है, और ये देखिए बिल्कुल लाइट वेट की है, सेम वही पिकॉक, सेम पिकॉक पैटर्न पर ही है ये, बहुत यूनिक है। लुक एट दिस, कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है ये, मतलब बहुत यूनिक है। इसमें इतनी डिटेलिंग दी गई है ना, ये चीज़ इसको बहुत ज़्यादा खास बनाती है। आप इसको डिफरेंट डिफरेंट ड्रेसेस के साथ कैरी कर सकते हैं,
और ये सभी ड्रेस के साथ जाएगा। बहुत ज़्यादा खूबसूरत पीस है, इसे तो ज़रूर लीजिएगा क्योंकि फेस्टिव सीज़न आ ही रहा है और ऐसा है नहीं कि आप शॉपिंग नहीं करोगे, करोगे ज़रूर, तो इसे ज़रूर लेना है ना। लाइट वेट है और बिल्कुल लाइक बहुत मतलब पता नहीं चल रहा है ऐसा वाला है, और कान में भी फील नहीं हो रहा है कि जैसे कुछ भारी पहन लिया हो, तो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है गाइस, इसको मैं ऐसे ही दिखा रही हूँ, इसको मैं पहनने लगी ना तो पूरी वीडियो बहुत लंबी हो जाए, अलग है, डिफरेंट है, तो थोड़ा टाइम लग गया बातचीत में, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती कि वीडियो छोटी हो। नेक्स्ट है ना ये वाली, एक साथ मिल रहा है 1 2 3 4 5 6, और लगभग सभी मतलब वो सभी कलर हैं इसमें, प्राइमरी कलर्स जो आपके ड्रेस के साथ, बहुत सारे ड्रेसेस के साथ मैच कर जाएंगे। पिंक, वाइट, येलो, ब्लैक एंड ब्लू, ये पर्पल दे रहा है एंड ये ग्रीन, तो ये पूरे हैं स्टड स्टाइल ईयरिंग, एडी ईयरिंग्स हैं। और इस तरीके से पीछे का पोर्शन जो है ना, ये जो स्टॉपर है ये रबर वाला है, और ये इस तरीके से बहुत शाइन कर रहा है, कैमरे में तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। और इस ये सभी के सभी ना आपके बहुत सारे ड्रेसेस के साथ जाएंगे। अगर आपको मिनिमल लुक चाहिए ना तो उसके लिए आप ये वाला सेट ले लीजिए, आपके बहुत सारे ड्रेस के साथ ये वाला मैच कर जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला कौन सा है। नेक्स्ट जो है ना, उसमें टोटल 9 डिफरेंट स्टाइल के आपको ईयरिंग सेट मिल जाएगा, मतलब आप देख सकते हैं इसमें 9 इस तरीके का मिल जाएगा, अलग अलग कलर है, पर मुझे मिंट वाला लेना था, मिंट ग्रीन वाला लेना था, तो मैंने लिया है। पैकेजिंग आप देखिए, पैकेजिंग इसकी बहुत अच्छी थी, प्राइस इसकी थोड़ी ज़्यादा है, 250 के अराउंड है, पर क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। ओह माय गॉड, ये भी चोकर स्टाइल है, बहुत सारा चोकर लिया है मैंने, इसे पहन के दिखाती हूँ। लुक एट दिस, डिटेलिंग पे आप जाइए, जो मैं इसको वीडियो में लगा दूँगी ऐसा दिखेगा नहीं। इसमें भी ना फूल बना हुआ है, इसमें भी बना हुआ है, लाइक क्या बोलते हैं उसको, तराश के बना हुआ है। आप इसकी डिटेलिंग देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत है। तो अब मुझे इतना ध्यान देने के बाद लग रहा है कि 250 बहुत ज़्यादा नहीं है इसके लिए, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसकी डिटेलिंग इतनी ज़्यादा की गई है ना इसको खूबसूरत दिखाने के लिए कि 250 बनता है। एंड नीचे इस तरीके से मोती वाली डिटेलिंग है, ठीक है, और साइड साइड में ये देखिए आप नग लगे हुए हैं, बीच बीच में आप देख रहे हैं वाइट के बीच बीच में मिंट ग्रीन वाली मोती भी है, तो इतनी डिटेलिंग की गई है इसकी। अब इसको पहन के दिखाती हूँ कि इसका पूरा लुक कैसा आता है। गेट दिस, कितना खूबसूरत पीस है गाइस, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, और मतलब क्या कहूँ मैं इसकी तारीफ़ करने के लिए मुझे वर्ड नहीं मिल रहा है, मुझे इतना ज़्यादा पसंद है। और ये साड़ी पे, सूट पे, मतलब हर तरह के एथनिक पे चल जाएगा, और आप इसे ज़रूर परचेज़ करिएगा अगर आपको ये वाला पसंद हो तो। नेक्स्ट गाइस, एडी वाली ज्वेलरी सेट, जो सिंपल, एलिगेंट, क्लासी, बहुत खूबसूरत है। ये भी अगेन मैंने ग्रीन कलर में ही लिया है, इसको पैकेजिंग कहते हैं। इसको इस तरीके से जब पैक होकर कोई ज्वेलरी आती है ना तो उसके ख़राब होने का कोई चांस ही नहीं होता है, और देखिए कितने अच्छे तरीके से पैक हो गया है। मैं इसे ऐसे ही पकड़ ले रही हूँ क्योंकि पहनने में मुझे वक्त लग जाएगा और मेरा माइक डिस्चार्ज हो जाएगा। सी कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, इसे आप अपने गाउन के साथ भी पहन सकते हैं, साड़ी के साथ, इंडियन वेस्टर्न सबके साथ बहुत अच्छा लगेगा। देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल एडी वाला नग लगा हुआ है इधर, और ये भी आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा शाइन कर रहा है, और इसका जो मतलब ये बिल्कुल क्रिस क्रॉस इस तरीके से दिया है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, और सिंपल है लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है सच में। और आप देख सकते हैं इसकी इयरिंग भी ब्लैक के साथ कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, तो आप इसे ग्रीन, ब्लैक, वाइट या कंट्रास्ट के लिए कोई और अलग कलर की ड्रेस भी पहन सकते हैं, सब पे अच्छा लगेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की ओर, और जहाँ मैं चीट हुई वो मैं आपको दिखाती हूँ, पर मेरी गलती है, मेरी गलती ये है कि मैंने इसको अच्छे से चेक नहीं किया। दिखा रही हूँ मैं आपको, अराउंड 200 के आपको मिल जाएगा, और 170, 180, 200 तक मिल जाएगा। तो ये है वो एडी ज्वेलरी सेट जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अब आपको इसकी कमी दिख ही रही होगी कि यहाँ से ये वाला नग मिसिंग है, ये लटकन मिसिंग है, और ये जब मैंने इसको अनबॉक्स किया था ना तब मेरी गलती है, मैंने इसे अच्छे से देखा नहीं था,
और इस वजह से इसके रिप्लेसमेंट का टाइम चला गया था, तो मुझे अब इसे रखना ही है। अब मैं क्या ही करूँ, बहुत दिल से ले आता। और इसके ना कलर्स अवेलेबल हैं, आप चेक कर लीजिएगा। और ये पूरा कंप्लीट एडी का है, और अगर इसको इग्नोर किया जाए तो क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और ऐसा अगर आपके साथ हो कि आप कोई चीज़ मंगाएं, तो प्लीज़ आप उसे ना वक्त रहते रिप्लेस कर लीजिएगा, वरना मेरा वाला हाल हो जाएगा, क्योंकि मैंने इस पर अराउंड 180 रुपीज़ अपना लगाया था और ऐसा हो गया। ठीक है, इसकी मैं आपको इयररिंग दिखाती हूँ। ये एडी वाली इयररिंग है, बहुत ज़्यादा शाइन कर रही है और क्वालिटी ना बहुत ज़्यादा अच्छी है। उस चीज़ को छोड़ दिया जाए ना तो वो हो गया होगा, जो भी गलती होगी टूट गया होगा, बट ऐसे इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और रिव्यूज़ वगैरह भी मैंने देखा था तो बहुत अच्छा बता रहे थे। प्यारा तो ये बहुत ज़्यादा लग रहा है, बट ये एक चीज़ है, बाकी उसके अलावा ये है बहुत अच्छा पीस है। और आप इसे परचेज़ कर लीजिएगा, बस ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने की बात होती है कि कोई इस तरीके की चीज़ ना हो जाए आपके साथ। ठीक है, नेक्स्ट जो है ना, वो उसकी पैकेजिंग अलग थी, बट वो मैंने इसमें रख दी क्योंकि मैंने बॉक्स हटा दिया। आपको दिखाती हूँ, ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड ये 5-in-1 और 6-in-1 है, आई मीन मुझे याद नहीं, बट मैं इसको दिखाती हूँ आपको। कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से। और साथ में ये बहुत सारे कलर के बटन्स मिलेंगे, काफ़ी सारे कलर के आपको मिल जाएंगे, जिन्हें आप लगा लगा के अलग अलग कलर के इयररिंग्स बना सकते हैं। तो आपने ये लेना है और इसको इस तरीके से लगा देना है, इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद पीछे से इसके स्टॉपर लगा देना है, तो ये आपकी येलो इयररिंग बन गई और आप अपने येलो ड्रेस के साथ इसको मैच कर सकते हैं। तो है ना बहुत काम की चीज़ ये, और इस तरीके से आप बहुत सारे ड्रेस के साथ इसको मैच कर सकते हैं। अगर आपको रेड पहनना है, मतलब आपने कोई रेड वाली ड्रेस पहनी है और उसके साथ मैच करना है, तो रेड लगाइए और स्टॉपर लगाइए, आप रेड के साथ भी मैच कर सकते हैं एंड येलो के साथ भी। तो ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा यूनिक इयररिंग मुझे हाथ लगी, और इतने सारे आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो आप बहुत सारी इयररिंग्स क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग कलर की। तो आपको ये वाले मुझे लगता है बहुत पसंद आएगी, मुझे तो बहुत अच्छी लगती थी। और चलते हैं नेक्स्ट की ओर, देखते हैं एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, लाइक बहुत अच्छी इयररिंग आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसे पहन लो, इतना चमकोगे ना कि पूछो मत। ये देखो कैमरे में इतना ज़्यादा शाइन कर रहा है, ये सच में बहुत ज़्यादा कमाल का है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। वेट हल्का सा ज़्यादा लग सकता है, ठीक है, लेकिन है बहुत खूबसूरत चीज़। ये मैंने ना शॉपसी से लिया था और मैं लिंक इसका लगा दूँगी आपको, ठीक है ना। कलर देखो आप कितना चेंज कर रहा है, बिल्कुल रेनबो। और प्राइस आप जानते हो कितने का है, ये जस्ट 120 या 130 के अराउंड था। कैन यू बिलीव कि 120-130 में आपको कोई चीज़ ऐसी मिल सकती है, मार्केट में कभी नहीं मिलने वाली है यार, और मेरे मार्केट में तो दूर दूर तक नहीं मिलेगी आपको। तो ये चीज़ मेरे हाथ लगी ना, मेरा दिल खुश हो गया। पैकेजिंग बहुत अच्छी थी इसकी, और मीशो पे भी अवेलेबल है। और अगर मैंने जहाँ से लिया मैं वहाँ का लिंक आपको दूँगी, क्योंकि मैं नहीं जानती कौन सा, मतलब सेलर अलग अलग होते हैं ना, तो मैंने जहाँ से परचेज़ किया था मैं उसके लिंक आपको दे दूँगी। देखो आप, इसकी नज़र नहीं हटेगी आपकी, पिंक एंड ग्रीन और उस तरीके से बहुत सारे कलर्स इसमें एक साथ आ रहे हैं। एट दिस, कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ना गाइज, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये आपके ना इंडियन वेस्टर्न सबके साथ बहुत अच्छा लगेगा। लास्ट ईयरिंग इस हॉल की, आपको कैसा लगा मेरा वीडियो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई होगी, क्योंकि मेरा रहता है कि मैं 15 मिनट तक में ही अपनी वीडियो रखूं और सारा प्रोडक्ट कवर कर लूं। बट अगर वीडियो थोड़ी लंबी हो गई हो तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मेरा इंटेंशन आपका टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल नहीं रहता है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बाय बाय।